हेलो टेक बाबा के भक्तों, आपका स्वागत है टेक बाबा चैनल में। तो आज बाबा गिरी करते हुए अपन एक को नए टॉपिक पे हैं, जो आपके लिए स्मार्टफोन। आप सभी स्मार्टफोन के दीवाने जरूर होंगे। आपको वन प्लस, एप्पल ऐसे मोबाइल काफी पसंद आते होंगे, सैमसंग के ब्रांडेड मोबाइल। लेकिन अगर आपका प्रेस आपको इसके लिए इजाजत नहीं देता, प्रेस में 15,000 रुपये खो आप देखते हैं, आप 1 लाख रुपए के। तो ऐसा नहीं है, अब आपके लिए मोबाइल लेके आया हूँ, एक अफोर्डेबल मोबाइल जिससे आपको ऊपर से बोलेगा वाह बेटा वाह मौज कर दी। तो आज का मोबाइल अपना पोको C40। तो पोको C40 की बात करें तो ये मोबाइल आपको अफोर्डेबल बजट के अंदर मिलने वाला मोबाइल है, क्योंकि इस मोबाइल को कि पहले मैं प्राइस की बात कर लूँ तो ये मोबाइल आपको मिलने वाला है अंडर 30,000, यानी आपको 13,000 के अंदर मिलने वाला है, जो कि 16 जून को इंडिया के अंदर अवेलेबल होने वाला है। काफ़ी मस्त फीचर के साथ अवेलेबल होने वाला है। नॉर्मल मोबाइल है लेकिन काफ़ी बढ़िया होने वाला है फीचर्स के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में। आपको जो चाहिए वो मिलेगा इसके अंदर, अगर आप एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से या फिर पर्सनली यूजेस पर्पज से किसी पर्पज से आप कर सकते हैं। आप इसके अंदर एवरेज गेमिंग सब कुछ कर सकते हैं। तो बात करते हैं इसके पहले स्पेसिफिकेशन की। पहले स्पेसिफिकेशन ये एवरेज मोबाइल है, तो इसका अपन रैम रोम की बात करते हैं। रैम की बात करें इस मोबाइल की, तो ये आता है आपके रैम की बात करें इस मोबाइल की, तो ये आपको 64 के अंदर अवेलेबल होने वाला है, जो कि काफ़ी मस्त मोबाइल होने वाला है। यानी कि अगर आप 64 बहुत ही यूनिक रैम में होती है, यानी कि कॉमन है, यानी कि आप इससे आराम से कुछ भी चला सकते हैं, लेकिन ज़्यादा भारी सॉफ्टवेयर नहीं चला सकते। लास्ट आप 2 GB तक के सॉफ्टवेयर आराम से हैंडल कर पाएगा आपका मोबाइल, इससे ज़्यादा नहीं। तो अब बात करते हैं आपको इसके कोर की। तो ये स्नैपड्रैगन कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 680 के अंदर आने वाला है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। आप पबजी भी खेल सकते हैं, पबजी लाइव, पबजी मोबाइल जो भी खेलना चाहते हैं, पबजी इंडिया सब कुछ खेल सकते हैं, आराम से परफॉर्मेंस देगा। अब बात करते हैं डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले बहुत ही नॉर्मल होने वाली है, क्योंकि आपको पता है पैसा इतना ही दे रहे हो, तो आपका IPS डिस्प्ले मिलने वाले, LCD। तो LCD डिस्प्ले काफ़ी बढ़िया होती है, HD के अंदर मिलने वाले हैं, 6.7 इंच की डिस्प्ले, तो का जो काफ़ी बढ़िया है, यानी कि आपको बेहतर परफॉर्मेंस मिलने वाली है। HD में वीडियो देख सकते हैं 1080p में बस, लेकिन आप 2K 4K नहीं देख पाएंगे इसके लिए, सॉरी दोस्तों, मुझे नहीं कंपनी को। तो बात करते हैं अगले स्पेसिफिकेशन। आपको सबको बैटरी प्रॉब्लम आती होगी, और हमको तो बैटरी ज़्यादा मिलनी चाहिए, तो बैटरी ये मोबाइल बैटरी मामले में होने वाला है। बैटरी की बात करें तो 6,000 mAh की बैटरी होने वाली है इसकी, जो काफ़ी ज़्यादा चलने वाली है, काफ़ी ज़्यादा। बात करें तो ये 6,000 की बैटरी 18 वोल्ट की सुपर फास्ट नहीं सॉरी फास्ट चार्ज के ऊपर सपोर्ट करती है, लेकिन आपको इसके साथ मिलेगा 10 वोल्ट का चार्जर। ये तो 10 वोल्ट का मिलेगा, क्योंकि कंपनी का बजट हिल जाएगा भैया 18 वोल्ट का दर्द, तो 10 वोल्ट का चार्ज देगा, लेकिन 18 वोल्ट की चार्ज कैपेसिटी के लिए बनी है इसकी बैटरी, तो आप आराम से 18 वोल्ट का चार्ज यूज कर सकते हैं, इसके अंदर कोई दोराई नहीं है। अब बात करते हैं इसके अगले स्पेसिफिकेशन की। तो इसके कैमरा है तो कुछ ज़्यादा खास नहीं बचा। इसका कैमरा की बात करें तो 13 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल के कैमरा के साथ आता है, और फ्रंट कैमरा की बात करें तो 5 मेगापिक्सल का कैमरा एवरेज है, लेकिन आप छोटी मोटी रील्स वील्स या फिर वीडियो बना सकते हैं छोटे मोटे, या आप आराम से ज़्यादा पिक्सल भी खींच सकते हैं इसकी फोटो, लेकिन नॉर्मल फोटो आराम से क्लिक कर पाएंगे अगर आप इंस्टाग्राम चला रही है तो। लेकिन तो सही है कैमरे के मामले के अंदर भी, तो ये ऑल ओवर बात करें तो ये एवरेज मोबाइल होने वाला है, तो काफ़ी मस्त होने वाला है। अगर आपका बजट एवरेज है तो आप अंडर 15 में आराम से खरीद सकते हैं, अंडर 13 में, जो कि आपके लिए बेस्ट मोबाइल होने वाला है, जो 400 में आपको काफ़ी बढ़िया देने दे रहा है। पोको पोको शाओमी की कंपनी है, तो ब्रांडेड कंपनी है, इसमें कोई दोराय नहीं है, क्योंकि ये शाओमी यानी हमारी खुद ने बनाया इस मोबाइल को, तो आप ले सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद, कुछ ज़्यादा बताने के लिए और कुछ नहीं है मोबाइल के अंदर, क्योंकि एवरेज मोबाइल है, तो धन्यवाद।